आदमी पार्टी ने महंगी बिजली, दूषित जल तथा पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की। उप तहसील गतसिंहपुर के समक्ष सांकेतिक धरना लगाया गया। गतसिंहपुर आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली, दूषित जल तथा पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। दर्शन सिंह मल्ली ने कहा कि राजस्थान सरकार को श्री सीमेंट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट और पवन ऊर्जा व धर्म प्लांट से 3.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होती है तथा राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद गहलोत सरकार द्वारा घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ता को इससे कई गुना अधिक कीमत पर बिजली बिल जारी किए जाते हैं, जिससे आमजन सहित प्रत्येक वर्ग का जीना दुभर हो गया है। जिला उपाध्यक्ष नितेश शर्मा ने कहा कि पंजाब की फैक्ट्रियों व उद्योगों का अपशिष्ट केमिकल युक्त काला दूषित पानी श्री गंगानगर की नहरों में आ रहा है। नहरों का पानी सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। दूषित केमिकल युक्त जहरीले पानी से क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा अनेक घातक बीमारियां फैल रही है। इससे जनजीवन खतरे में है। पूरे देश में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल श्री गंगानगर में बिक रहा है। गहलोत सरकार द्वारा कोरोना काल के बावजूद पेट्रोल डीजल व अत्यधिक वेट वसूला जा रहा है, जिससे पड़ोसी राज्य पंजाब की तुलना में श्री गंगानगर में पेट्रोल डीजल पर लगभग 10 रुपए का भारी भरकम अंतर है। आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि गहलोत सरकार की कुनीतियों के कारण किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी, आमदन सहित प्रत्येक वर्ग पीड़ित व ग्रस्त है। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि अविलंब महंगी बिजली की दरों को कम किया जाए, प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली निशुल्क प्रदान की जाए, कोरोना काल के मद्देनजर 2 माह के बिजली पानी के बिल माफ किए जाए, दूषित जल की समस्या का स्थायी निराकरण किया जाए तथा पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम वेट की दरों को कम करके आमजन को राहत प्रदान की जाए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर भारतवर्ष के लिए गत सिंहपुर राजस्थान से सुप्रीत सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।